दिल्ली में यमुना में प्रदूषण को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने केजरीवाल को अव्यवस्थाओं वाला मुख्यमंत्री बताते हुए कहा कि जो खुद अव्यवस्था फैलाता हो उससे व्यवस्था की उम्मीद नहीं की जा सकती है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि केजरीवाल सरकार अच्छा अच्छा तो अपना लेती है लेकिन कड़वा को थूक कर बचने की कोशिश करती है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि दिल्ली सरकार को यमुना नदी की बदहाली और प्रदूषण की जिम्मेदार है। सरकार को दिल्ली वासियों को छठ पूजा के समय जरूरी इंतजाम करने चाहिए थे लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार लोगों को जरूरी सहूलियत उपलब्ध कराने में नाकाम रही है। संगम नगरी प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित छठ पूजा कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गंगा जल से आचमन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार लोगों को छठ पूजा के मौके पर जरूरी सहूलियतें उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। घाटों पर साफ सफाई से लेकर सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के सरकार की तरफ से अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। डिप्टी सीएम ने प्रदेशवासियों को छठ पूजा की बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश में 10 नवंबर को छठ पूजा को देखते हुए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सांसद जी का स्वागत करें। जी धन्यवाद आज जोड़िए ओम नमो नमस्ते देव देवाय ओम सूर्याय नमः भद्राय दिवाकराय नमः गंगा दिव्य नमः यमुना दिव्य नमः सरस्वती दिव्य नमः चतुर देवताभ्य नमः ग्राम देवताभ्य नमः स्थान देवताभ्य नमः कुल देवताभ्य नमः इष्ट देवताभ्य नमः सर्वे प्रागवान भूम जाय सर्याल कान जमानी पदक बोलो गंगा मैया की जय यमुना मैया की जय सरस्वती मैया की जय। छठ पूजा आज बिहार और पूर्वांचल का ही नहीं बल्कि देश और दुनिया का उत्सव बन चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के सभी उन स्थानों पर जहां छठ पूजा के आयोजन होते हैं वहां सभी आवश्यक प्रबंध किए जाने के निर्देश दिए हैं और संगम तट चूंकि देश का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और यहाँ पर भी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और किसी प्रकार की असुविधा न हो या निर्देश भी यहाँ पर दिया गया है। सरकार इस पर भी गंभीरता से विचार की है कि कल 10 तारीख को छठ पूजा के लिए अवकाश भी दिया जाए। आप सबको और आप सबके माध्यम से मैं अपने प्रयाग और प्रदेश और देशवासियों को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भगवान सूर्यदेव के चरणों में नमन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश के सामने प्रदेश के सामने जो भी चुनौतियाँ जिसके खिलाफ हम सब लोग लड़ रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त करें। दिल्ली में यमुना नदी में गंदगी आ रही है जहाँ पर बीजेपी की सरकारें हैं। श्री अरविंद केजरीवाल एक नगर निगम जैसी सीमा क्षेत्र के राज्य के मुख्यमंत्री जो अच्छा है मीठा मीठा गप और तीखा तूखा थूक। अगर दिल्ली के अंदर कोई अव्यवस्था है तो उसके लिए दिल्ली की प्रदेश सरकार जिम्मेदार है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जिम्मेदार है और उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की है तो निश्चित तौर से वह एक तरह से छठ पूजा के कार्यक्रम के लिए जो हमारी माताएं बहनें आज अनुष्ठान कर रही हैं उनके अनुष्ठान को बाधित करने का काम किया। उत्तर प्रदेश से होकर के भी यमुना जी भी जाती हैं, सभी नदियां जाती हैं, सभी ऐसे स्थान हैं, हम लोगों ने यहाँ सभी जरूरी प्रबंध किए, यहाँ कोई अव्यवस्था नहीं है। जहाँ अव्यवस्था फैलाने वाला ही मुख्यमंत्री हो सरकार हो उनसे अपेक्षा ही नहीं करनी चाहिए। हो रहा है और अच्छा हो, हर मतलब हमारे पर्व जो है वहाँ बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो रहे हैं और संपन्न होंगे और सरकार की ओर से सभी पर्वों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं के लिए सभी चाहे आर्थिक व्यवस्था करनी हो सरकार की ओर से वह भी हम लोग कर रहे हैं और चाहे प्रशासनिक व्यवस्था करनी हो पुलिस व्यवस्था करनी हो।